ये कहानी है एक सुपरस्टार एक्ट्रेस की, जो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे वर्सटाइल सुपर डांसर और खूबसूरत अभिनेत्री मानी गई, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शामिल रही। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की मल्लिका पद्मश्री से सम्मानित वो अभिनेत्री जिन्होंने फिल्मों में ऐसा मुकाम तय किया जिसे हासिल करना किसी भी एक्टर का सपना होता है। अपनी कातिलाना स्माइल के लिए फेमस इस एक्ट्रेस ने बेहद कम वक्त में ही बॉलीवुड की तमाम अभिनेत्रियों को पछाड़ दिया और देखते ही देखते नंबर वन का ताज अपने नाम कर लिया। जिनको साइन करने के लिए फेमस डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी, तो वहीं बड़े से बड़ा एक्टर भी इनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए बेताब रहा करते थे। इन्हें आज की अभिनेत्रियां अपना आइडल मानती हैं और इनकी फिल्में देखकर एक एक्टर बनने की मुकम्मल तैयारी करती हैं। तभी तो इन्हें कहा गया हिंदी सिनेमा के इतिहास की आज तक की सबसे सफल अभिनेत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर की शुरुआत में इन्होंने कई ऐसी स्तरहीन फिल्में की जिनमें इनके बोल्ड सीन की खूब आलोचना हुई और खुद से 20 साल बड़े एक्टर विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन तो आज भी वायरल होकर इनकी किरकिरी करवाता रहता है। क्या आपको पता है कि 5 फेमस एक्टर्स और एक स्टार क्रिकेटर के साथ इनके अफेयर और लिव इन रिलेशन की खबरें एक वक्त में मीडिया की सुर्खियां बन गई थी। ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। तो साथ ही इन पर कई शादीशुदा पुरुषों की गृहस्थी उजाड़ने का भी इल्जाम लगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि कंट्रोवर्शियल केमिकल वाली मैगी को प्रमोट करने के लिए इन्हें खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी गई। सुनिए, और कौन से जुर्म आप अंदर कर सकते हैं? कौन से जुर्म है बोलो? अगर तुमने किसी का खून किया, किसी की जेब काटी, तो 250 करोड़ रुपए संपत्ति की मालकिन इस एक्ट्रेस ने क्यों अपने टॉप पर चल रहे बॉलीवुड करियर को अचानक छोड़ दिया और एक NRI से शादी कर अमेरिका चली गयी। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साथ। और क्यों बेहद विवादित रही इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लव लाइफ, आज जानेंगे वो तमाम बातें जो आप में से कम ही लोग जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में जिस एक्ट्रेस की कहानी हम आपको बता रहे हैं वो है 1980-90 के दशक की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाने वाली डांसिंग दीवा माधुरी दीक्षित। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। लाजवाब नृत्य, नेचुरल एक्टिंग और मुस्कान ऐसी कि उसके जादू से कोई बच न पाए। तन्हाई, 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 दोनों को पास ले आई। इन्होंने करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई और आज भी इनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। Shit.
तो कैसे एक साधारण सी लड़की बिना किसी बैकग्राउंड के सुपरस्टार माधुरी दीक्षित बन गई। आज बात करेंगे 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली इस एक्ट्रेस की फिल्मोग्राफी की, इनके अफेयर्स, शादी और इनके फैमिली बैकग्राउंड की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसी रही इनकी अर्ली लाइफ और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी मम्मी का नाम स्नेहलता दीक्षित था, जो कि एक गृहिणी थी, और पापा का नाम शंकर दीक्षित था, जो एक इंजीनियर थे। माधुरी के एक बड़े भाई भी थे, अजीत दीक्षित, जो आगे चलकर इंजीनियर ही बने, और दो बड़ी बहनें थीं, रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित। हालांकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। माधुरी को इनकी मम्मी ने महज 3 साल की उम्र से ही शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण दिलवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि तभी बच्ची के पैर थिरकने लगे थे और इनके अंदर की कला को इनकी माँ ने नोटिस कर लिया था। 9 साल की उम्र में इन्हें कथक में स्कॉलरशिप मिल गई और कई कार्यक्रमों में परफॉर्म करने का मौका मिला और अखबार में नाम भी छपा, जिससे माधुरी को काफी बूस्ट मिला। माधुरी की स्कूलिंग मुंबई के ही डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से हुई और फिर इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के पार्ले कॉलेज में बीएससी से ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया। माधुरी तब माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस बीच माधुरी को अपने डांस स्कूल के जरिए कई कार्यक्रमों में परफॉर्म करने का मौका मिलने लगा और 8 साल से कथक सीख रही माधुरी अब इसे ही प्रोफेशन बनाने के बारे में सोचने लगी। बताते हैं कि इसी दौरान इन्हें कुछ एड फिल्में करने के भी मौके मिले और अपने एक दोस्त के जरिए इन्होंने एक सीरियल के लिए ऑडिशन भी दिया, जिसमें ये सेलेक्ट हो गईं। 1984 में बन रहा ये टीवी शो था बॉम्बे मेरी है। अनिल तेजानी डायरेक्टेड इस शो में माधुरी के अलावा बेंजामिन गिलानी और मजहर खान जैसे कलाकार थे, लेकिन दूरदर्शन ने इसका पहला यानी कि पायलट एपिसोड ही देखने के बाद इसे लेने से ये कहकर मना कर दिया कि इसमें कोई स्टार फेस नहीं है, और इस तरह शुरू होने से पहले ही ये टीवी शो बंद हो गया। इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म बना रही थी अबोध, जिसमें उन्हें लीड रोल के लिए एक मासूम से दिखने वाली लड़की की तलाश थी। माधुरी की बड़ी बहन की दोस्त, जो राजश्री प्रोडक्शन के एक एम्प्लॉई की बेटी थी, उन्होंने इस रोल के लिए माधुरी की सिफारिश की, क्योंकि उन्होंने माधुरी को स्कूल में परफॉर्म और डांस करते देखा था। माधुरी ने इसके लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गईं। लेकिन जब माधुरी ने घर जाकर ये बात बताई तो इनकी फैमिली में इस बात का विरोध हुआ कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये भला फिल्मों में क्यों जाना चाहती हैं। माधुरी की उम्र तब लगभग 17-18 साल की ही रही होगी, लेकिन कई दिनों तक चली बहस के बाद आखिरकार घर के लोग मान गए और माधुरी फिल्मों की शूटिंग के लिए पहुंची। 1984 में आई राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म में माधुरी के अपोजिट हीरो थे बंगाली एक्टर तापस पॉल। ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन माधुरी फिल्मों में लॉन्च हो गए। मैं? हाँ। मैं और झगड़ा? हाँ। बिल्कुल नहीं, वो तो जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तभी तो गुस्सा होती हूँ, फिर गुस्सा खत्म, झगड़ा खत्म, सब बराबर। इसमें माधुरी के परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने पॉजिटिव रिव्यू दिया और इस वजह से इन्हें आगे भी कई फिल्में मिली। इनमें रही 1985 की फिल्म कुंवारा बाप और 1986 की स्वाति। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में मीनाक्षी शेषाद्री लीड एक्ट्रेस थी और माधुरी का छोटा रोल था। ओह आई सी, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। हाँ बोलो। खोलो कान। तुम्हें ना तो किसी एजुकेशन की जरूरत है और ना किसी संध्या की। अगले साल 1987 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी की एक फिल्म आई हिफाजत, जिसमें अनिल कपूर इनके अपोजिट हीरो थे। हालांकि ये भी कमर्शियली एक फ्लॉप फिल्म ही साबित हुई और माधुरी फिर सफलता का स्वाद नहीं चख पाई। इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई उत्तर दक्षिण, जिसमें रजनीकांत और जैकी श्रॉफ थे, लेकिन ये फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। छोड़ो
1987 में माधुरी की तीसरी फिल्म मोहरे आई, जिसमें नाना पाटेकर आदि एक्टर्स थे और ये भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अब साल आया 1988, जो माधुरी दीक्षित के लिए ढेर सारी सौगातें लेकर आया, लेकिन साल की शुरुआत निराशाजनक ही रही। दरअसल इस साल माधुरी की तीन फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सबसे पहले आई मल्टी स्टारर फिल्म खतरों के खिलाड़ी, जो फ्लॉप रही। इस साल की इनकी दूसरी फिल्म रही दयावान, जो हिट तो रही, लेकिन माधुरी इसमें अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से, यानी किस की वजह से ज्यादा चर्चा में रही। खुद से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ इनके पैशनेट लव मेकिंग सीन्स ने इन्हें तारीफें नहीं बल्कि आलोचनाओं का शिकार बना दिया। लेकिन इसी साल की इनकी जो तीसरी फिल्म रिलीज हुई, उसने माधुरी के करियर के लिए वो काम किया जिसकी अभी तक इन्हें तलाश थी। ये फिल्म थी तेजाब। कहिए, क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप? मैं? एन चंद्रा की इस फिल्म ने माधुरी को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने और ओवरनाइट स्टार बनाने का काम किया, जिसमें इनकी बेहतरीन एक्टिंग, डांसिंग स्किल और खूबसूरती तीनों की जोरदार चर्चा होने लगी। अनिल कपूर के साथ इनकी केमिस्ट्री भी इस फिल्म से पर्दे पर दिखने लगी थी और इस जोड़ी ने आगे साथ में तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझसे? हाँ मुन्ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मोहिनी। इस फिल्म के लिए माधुरी को फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला नॉमिनेशन मिला और ग्लैमरस मोहिनी की मजबूत पहचान भी। आज भी इस फिल्म का गाना 1 2 3 एक आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। तेरा करो दिन 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 पे इस फिल्म के सफल होने के बाद माधुरी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद बैक टू बैक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इनमें सभी फिल्मों की चर्चा करें तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ बड़ी हिट फिल्मों की बात करेंगे। साल 1989 में माधुरी की फिल्म आई राम लखन, जो सुपरहिट रही। सुभाष घई डायरेक्टेड इस फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी, अनुपम खेर जैसे कई बड़े सितारे थे, फिर भी माधुरी ने इसमें अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी। तुम जा रहे हो लखन, मेरा क्या होगा? वो दुष्ट लोग मुझे ले जाएंगे लखन। अरे उन्हीं दुष्टों के लिए हथियार बनने तो जा रहा हूँ पगली। अगर तुम्हारे पीछे उन्होंने मेरा विवाह कर दिया। तेजाब और राम लखन की सफलता के बाद कई फेमस फिल्मी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने ये लिखना शुरू कर दिया कि इन्होंने श्रीदेवी को पछाड़ दिया है और नंबर वन के पायदान पर काबिज हो गई हैं। तब श्रीदेवी बनाम माधुरी दीक्षित जैसे आर्टिकल से अखबार पटे रहते थे और इन दोनों की खूब तुलना शुरू हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम लखन के अलावा 1989 में माधुरी दीक्षित ने 8 और फिल्मों में काम किया, जिनमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ के साथ वर्दी, मिथुन के साथ प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम, संजय दत्त मिथुन धर्मेंद्र के साथ इलाका और हिट मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव शामिल रही। इसके अलावा संजय दत्त के साथ कानून अपना अपना, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर के साथ परिंदा और गोविंदा के साथ पाप का अंत भी इसी साल रिलीज हुई। में भी माधुरी का जलवा बरकरार रहा और इन्होंने कुल 9 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से 3 फिल्मों ने खूब धमाल मचाया। इस साल की माधुरी की फिल्में रही महासंग्राम, इज्जतदार, दिल, दीवाना मुझसा नहीं, जीवन एक संघर्ष, सैलाब, थानेदार, जमाई राजा और किशन कन्हैया। हाँ,
इनमें फिल्म दिल सबसे खास साबित हुई, जिसके गानों ने धमाल मचा दिया और फिल्म हाउसफुल चलने लगी। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था। फिल्म में माधुरी दीक्षित के अपोजिट आमिर खान थे और इसने सफलता के परचम लहरा दिए। ये जहां साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई, तो वहीं इसके लिए माधुरी ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। इसके अगले साल 1991 में माधुरी की 5 फिल्में देखने को मिली, जिनमें प्यार का देवता, प्रहार और प्रतिकार तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 100 डेज की खूब चर्चा हुई, जिसमें माधुरी और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। 50,000, ये थप्पड़ भी 50,000 का होगा। इसी साल यानी 1991 में ही इनकी एक और फिल्म आई साजन, जो एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी और इसने भी माधुरी के करियर में एक और हीरा जड़ने का काम किया। बहुत प्यार करते तुमको सनम। साजन का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने किया था। फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ सलमान खान और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ म्यूजिक भी लोगों को खूब पसंद आया। दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुम। साल 1992 में माधुरी ने जिन 6 फिल्मों में काम किया, उनमें से जिंदगी एक जुआ, प्रेम दीवाने और खेल ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज प्रदर्शन किया। तो वहीं संगीत में माधुरी के डबल रोल की काफी सराहना हुई, जिसमें माँ बेटी दोनों किरदार इन्होंने बखूबी निभाए। मुझे भला कभी ऐसा मौका मिलता कि तुम जैसी एक गुड़िया सी लड़की को अपने हाथों से खाना खिलाते, उसे सजाते, संवारते। इसमें ब्लाइंड लड़की बनी माधुरी ने शानदार अभिनय किया, तो साथ ही इस म्यूजिकल फिल्म के कई कर्णप्रिय गीतों ने भी सबको अट्रैक्ट किया। आनंद मिलिंद के संगीत से सजे गानों पर माधुरी ने अपने क्लासिकल डांस का खूबसूरत प्रदर्शन किया। इसके अलावा धारावी एक नेशनल अवार्डी फिल्म रही, लेकिन माधुरी के लिए इस साल की सबसे खास फिल्म साबित हुई बेटा, जिसने इन्हें नाम दिया धक धक गर्ल। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेटा इंद्र कुमार निर्देशित एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसमें माधुरी दीक्षित के अलावा अनिल कपूर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में थे। तुम्हारे घर में जितना भी घी है आग में डालते जाना, मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने पाप की बेटी नहीं। ये फिल्म उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। इसने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 1993 में माधुरी की कुल 5 फिल्में थिएटर में आईं, जिनमें साहिबा, आंसू बने अंगारे और फूल कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं, लेकिन सलमान खान के साथ फिल्म दिल तेरा आशिक के कुछ गाने सुपरहिट रहे। हालांकि इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी साल माधुरी की एक और ऐसी फिल्म आई जिसने तहलका मचा दिया। ये फिल्म थी खलनायक। सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म खलनायक में माधुरी दीक्षित के अलावा संजय दत्त और जैकी श्रॉफ लीड कैरेक्टर्स थे।
और फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है ने गजब की शोहरत और आलोचनाएं दोनों बटोरी। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसने दो फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किए। दुख और दर्द के क्षण में जिसका नाम होठों पर आए उससे वो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसने कहा तुम्हें? राम कहते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी 1994 में माधुरी की दो फिल्में सिनेमाघर में रिलीज हुई, जिनमें से एक रही अंजाम। इस रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की खूब चर्चा रही और इससे शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित दोनों के करियर को काफी फायदा हुआ। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, जैसे अपाहिजों के लिए हॉस्पिटल, पागलों के लिए पागल खाने, लेकिन बेवकूफ के लिए कोई बेवकूफ खाना नहीं है, और आप बेवकूफ हैं। अब बात करते हैं इस साल की माधुरी की दूसरी फिल्म की, जो थी ब्लॉकबस्टर मूवी हम आपके हैं कौन। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले। ये साल 1994 की सबसे चर्चित फिल्म साबित हुई और माधुरी के करियर की मोस्ट क्लासिक फिल्मों में से एक मानी गई। ये मौसम का जादू इंडियन वेडिंग ट्रेडिशन को एक अलग ही अंदाज में शोकेस करती सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित इस फिल्म को हजारों लोगों ने कई कई बार जाकर थिएटर्स में देखा। कहिए जी, आपकी भाभी पूछ रही हैं कि आप घर कब तक आ रहे हैं। हमें आते आते टाइम लग जाएगा। तो वहीं इस फिल्म में निशा को जूता चुराता देख देश भर में शादियों में ये एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो किया जाने लगा। दुल्हन के तेवर कम दिखना, इसमें सलमान खान इनके अपोजिट हीरो थे और दोनों की केमिस्ट्री ने कहर बरपा दिया। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। राम लक्ष्मण के संगीत से सजे इसके सभी गानों ने तब जमकर रिकॉर्ड तोड़े और गली मोहल्ले शादियों पार्टियों में बस इसी के गाने सुनाई देते थे। इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को एक बार फिर बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अगले साल 1995 में माधुरी की तीन फिल्में रिलीज हुई, राजा, याराना और पापी देवता, जिसमें राजा सबसे सफल रही। इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर के भाई संजय कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए। फिल्म में नदीम श्रवण के बनाए म्यूजिक ट्रैक ने खूब सफलता हासिल की और जमकर कैसेट्स बिके। ये फिल्म भी साल 1995 की सुपरहिट फिल्मों में से एक रही और माधुरी नंबर वन की कुर्सी पर काबिज रही। खबरदार जो मेरे देवता समान भाइयों पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, अगर वो उस दिन वक्त पर नहीं आते ना, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। साल 1996 में माधुरी दीक्षित अनिल कपूर के साथ फिल्म राजकुमार और ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम ग्रंथ में नजर आईं, जो एक गंभीर सब्जेक्ट पर बनी थी और इसके कुछ गाने भी हिट रहे। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, जो गन पे जो बन आए। इसके नेक्स्ट ईयर 1997 में माधुरी की शाहरुख खान के साथ एक और फिल्म आई कोयला। इस फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था और गाने राजेश रोशन ने तैयार किए थे, जो काफी पसंद किए गए। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। ये
ये फिल्म तो एवरेज ग्रॉसर ही रही, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे अच्छा रिमार्क दिया। कहानी ये नहीं, कहानी राजा बना रहा है। मैं कभी इसकी पत्नी थी ही नहीं। इसने जो मेरे साथ शादी की है वो धोखा था। साल 1997 में माधुरी ने चार और फिल्मों में काम किया जिनमें महानता कुछ खास नहीं रही, तो वहीं मोहब्बत के बस कुछ गाने ही सुने गए। तो वहीं इस साल की प्रकाश झा की फिल्म मृत्यु दंड ने सबका ध्यान जरूर खींचा। ये सोशल इशू और जेंडर जस्टिस पर बनी एक कल्ट फिल्म थी और इसमें गांव की महिला बनी माधुरी का रोल भी जबरदस्त था। शायद खेला अभी पूरा नहीं हुआ है, ये औरत का दुर्गति बाकी है अब तक। चलो त्रिपत सिंह आगे बढ़ो, नोच डालो इसका कपड़ा और दिखा दो सबको कि कितना ताकत है तुम्हारे अत्याचारी हाथों में। लेकिन इस साल की माधुरी की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही दिल तो पागल है। सारे सारे यश चोपड़ा की इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में इनके साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे और डांस परफॉर्मेंस फिल्म का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। तो वहीं उत्तम सिंह के म्यूजिक ने भी खूब कहर ढाया। नब्बे मिलियन में बनी इस फिल्म ने 598 मिलियन की कमाई की और साल की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। लेकिन अब धीरे धीरे माधुरी को फिल्में मिलनी कम हो गई थीं और ये गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आ रही थीं, जिसमें साल 1998 में इनकी दो फिल्में आईं, एन चंद्रा की फिल्म वजूद जो कुछ खास नहीं कर सकी, और दूसरी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जिसमें इनका गेस्ट अपीयरेंस ही था और अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ एक गाना हिट जरूर हुआ। ये गाना उस समय टीवी से लेकर रेडियो तक हर जगह छाया रहा। साल 1999 में माधुरी बस एक फिल्म में नजर आई जो थी आरजू, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान इनके को एक्टर्स थे। दिल है, दिल, दिल, दिल है ये मेरा। इसमें अनु मलिक के कंपोज किए कुछ गाने जरूर हिट रहे, लेकिन फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया। इसके नेक्स्ट ईयर साल 2000 में माधुरी की दो फिल्में रिलीज हुईं, पुकार और गजगामिनी। इनमें से गजगामिनी एक ऐसी फिल्म थी जिसे फेमस पेंटर एमएफ हुसैन ने बनाया था। वो माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के बहुत बड़े कदरदान थे और हम आपके हैं कौन फिल्म को 67 बार देखने के बाद माधुरी को लेकर अपनी पहली फिल्म बनाई थी। ये फिल्म भले ही फ्लॉप रही, लेकिन हुसैन साहब की दीवानगी की वजह से चर्चा में जरूर रही। ठीक है, नहीं आती तो मैं लेकर चलता हूँ। क्या कर रहे हो? डोली में बिठाकर घर ले जाओगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? न शहनाई न बैंड बाजा। तो दूसरी फिल्म रही राजकुमार संतोषी डायरेक्टेड पुकार, जिसमें माधुरी और प्रभु देवा के एक गाने ने खूब शोहरत बटोरी। इसमें अनिल कपूर एक बार फिर माधुरी के साथ दिखे, लेकिन माधुरी का ग्रे शेड था, एक हार्ट ब्रोकन जलस प्रेमिका जिस किरदार में माधुरी ने जान डाल दी थी। पूजा को फूल देने का क्या मतलब है? जब से तुम आए हो छिपकली की तरह चिपक गई है। शट अप, शट अप। फिर कभी पूजा के बारे में शब्द भी कह दो। क्यों, क्या लगती हो तुम्हारी, क्या लगती है? नेक्स्ट ईयर 2001 में माधुरी की दो फिल्में रिलीज हुई, ये रास्ते हैं प्यार के जिसमें माधुरी का छोटा रोल रहा और राजकुमार संतोषी निर्देशित मल्टी स्टारर फिल्म लज्जा, जिसमें इनकी शानदार एक्टिंग और डांस मूव्स दोनों ही खूब चर्चा का विषय रहे। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, जरा बच के
वैसे तो इसमें मनीषा कोइराला, रेखा आदि कई बड़ी कलाकार थीं, लेकिन छोटे रोल में भी माधुरी ने जो मजबूत महिला की छवि को पेश किया वो जबरदस्त रहा। हे वीर, आप क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहे हो? रावण मुझे उठा ले गया, इसमें मेरा क्या दोष था? मन तो क्या, मैंने अपने तन पर भी उसकी छाया पड़ने नहीं दी। हालांकि ये फिल्म इंडिया में कम और ओवरसीज ज्यादा चली। इसके अगले साल 2002 में माधुरी की दो फिल्में आईं, जिसमें एक थी शाहरुख खान सलमान खान के साथ हम तुम्हारे हैं सनम, ये फिल्म एवरेज रही, पर ढेर सारे म्यूजिक कंपोजर्स के बनाए इसके कुछ गाने जरूर हिट रहे। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। तो इस साल की इनकी दूसरी फिल्म रही संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांटिक ड्रामा देवदास। इस कल्ट क्लासिक फिल्म में माधुरी ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया, जो स्टनिंग और आउटस्टैंडिंग करार दिया गया। इसमें माधुरी के 30 किलो हेवी लहंगा पहनकर कमाल का कथक करने और शानदार अभिनय दोनों की ही जमकर तारीफ हुई। कितनी अजीब बात है, जिस पारों के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। फिल्म को साल 2002 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया, इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और टाइम मैगजीन द्वारा मिलेनियम की 10 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया। साथ ही इसके लिए माधुरी ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम किया। ये तो तुम भी जानते हो, सारा गाँव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादे पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। इस फिल्म ने इंडिया और ओवरसीज कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन इसके बाद माधुरी ने अपने करियर में एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि इन्होंने इसी दौरान शादी कर ली और इन्हें अब अपने पति के पास अमेरिका रहने जाना पड़ा। इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो चलिए, माधुरी की आगे की फिल्मों की बात करने से पहले फिलहाल इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो 90s में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया कि माधुरी दीक्षित ने फिल्में पाने के लिए सुभाष घई के साथ समझौता किया था और घई के पनवेल स्थित गेस्ट हाउस में जाने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल रहा। बताया गया कि अपने करियर की शुरुआत में माधुरी ने सुभाष घई से मिलने की खूब कोशिशें की, लेकिन जब तक ये अपने मैनेजर रिक्कू राकेश को लेकर उनके पास जाती रही, तब तक सुभाष घई इनसे नहीं मिले। लेकिन जब आखिरकार अकेले मिलने गईं, तो देर रात तक स्क्रिप्ट पर चर्चा होती रही और दूसरे ही दिन घई साहब ने अखबारों में इनकी तारीफों के पुल बांधने के साथ साथ इन्हें अपनी फिल्म राम लखन की हीरोइन भी अनाउंस कर दिया। लेकिन इन सभी इंसिडेंट के पीछे हकीकत क्या रही होगी, किसी को पता नहीं। माधुरी के अफेयर की बात करें तो फिल्मों में आने के बाद इनकी जिंदगी में जो पहला शख्स आया वो थे संजय दत्त। नब्बे के दशक में माधुरी और संजय दत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिलफेंक संजय ने माधुरी के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया, तो वहीं माधुरी भी उनके इस रिश्ते को लेकर खामोश थी। लेकिन इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में खूब होने लगी और फिल्मी मैगजीन्स की गॉसिप बन गई। बताया जाता है कि संजय और उनकी पहली पत्नी ऋचा के अलग होने की वजह माधुरी दीक्षित ही रही। हालांकि इसी दौरान साल 1993 में मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने संजय से सारे रिश्ते तोड़ लिए और इस तरह ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से मिले। समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं।
इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है झक्कास एक्टर अनिल कपूर का, जिनके साथ माधुरी ने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। फिल्मों में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों के ऑफ स्क्रीन साथ होने की खबरें भी सामने आने लगी। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझसे? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होते हुए भी अनिल कपूर माधुरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए थे। हालांकि कई बार ये भी दावे किए गए कि इन दोनों के फिल्में रिलीज होने से पहले मेकर्स इस तरह की अफवाह उड़ाया करते थे जिससे फिल्म को फायदा मिल सके। हालांकि सच क्या है कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब माधुरी और अनिल के अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोर रही थीं, तभी अनिल की पत्नी सुनीता एक बार अचानक अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग पर पहुंच गई थीं। उस दौरान सुनीता ने माधुरी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन माधुरी और अनिल दोनों को ही माजरा समझ में आ गया। रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन घर जाने के बाद अनिल कपूर और इनकी पत्नी सुनीता में खूब घमासान हुआ और इनकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे में अनिल और माधुरी ने एक साथ कभी फिल्में नहीं करने का फैसला किया और साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म पुकार इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे चाय पर? मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों से बात नहीं करती। जा प्लास्टिक फूल। जय जय रुको प्लीज, मैं प्लीज मेरी बात सुनो। मैं इसके बाद दोनों ने करीब 18 साल तक साथ में कोई फिल्म नहीं की। हालांकि फिर लंबे गैप के बाद साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों ने एक साथ काम किया। शादी से पहले कितने सपने दिखाए थे कि मैं कपड़े की फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं धीरू भाई अंबानी बनूंगा, मैं डांस डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। इस लिस्ट में अगला नाम है क्रिकेटर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक फोटो शूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच प्यार पनपना शुरू हुआ था, तब दोनों की रोमांटिक तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। फिर ये भी खबर सामने आई कि अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इसी वजह से इनका परिवार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ है। इसी बीच साल 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका करियर खत्म हो गया। अजय जडेजा की साख गिरी तो माधुरी दीक्षित ने भी उनसे दूरी बना ली। हालांकि कई फिल्मी पंडित इस रिश्ते को भी बस र्यूमर ही मानते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ का। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे और कई बार इन्हें अपने दिल की बात भी बताई थी। कुछ खबरें ये भी दावा करती हैं कि माधुरी का इनसे भी लंबे समय तक गुपचुप रिलेशन रहा, तो वहीं कुछ फिल्मी जानकार इसे बस अफवाह ही करार देते हैं। हालांकि माधुरी और डॉक्टर नेने की शादी के बाद जैकी श्रॉफ का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया है। अब ये मजाक था या उन्होंने सीरियसली ये बातें कही थी कहना मुश्किल है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी माधुरी का नाम जोड़ा गया, जो 90s की कुछ फिल्मी पत्रिकाओं में आपको छपा हुआ मिल जाएगा। लेकिन बाद में माधुरी की पूर्व मैनेजर ने इस रिश्ते की खबरों को अफवाह करार दिया था। एक र्यूमर ये भी रहा कि गोविंदा ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसका खुलासा खुद गोविंदा ने टीवी शो डांस दीवाने के सेट पर किया था। हालांकि मजाकिया ढंग में गोविंदा ने बताया था कि उनके प्रपोजल को माधुरी ने मना कर दिया था। खैर, साल 1999 में माधुरी अपने भाई से मिलने अमेरिका गई थी और वहां कैलिफोर्निया में एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई। डॉक्टर नेने इन्हें नहीं पहचानते थे कि ये कोई अभिनेत्री या स्टार हैं। माधुरी को नेने पसंद आ गए। जान पहचान के बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर ये मिलने लगे।
कुछ महीने एक दूसरे को जान लेने के बाद इन्होंने शादी करने का फैसला किया। माधुरी ने पहले अपने सभी प्रोजेक्ट्स खत्म किए और फिर अपने फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करते हुए 17 अक्टूबर 1999 को कैलिफोर्निया में शादी कर ली। फिर मुंबई में भी माधुरी ने शादी की रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और फेमस लीडर बाल ठाकरे भी पहुंचे थे। तब जाकर इनके पति डॉक्टर नेने को पता चला कि उनकी पत्नी कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। वो इनके रुतबे और मीडिया में इनकी दीवानगी को देख कर हैरान थे। खैर, शादी के बाद माधुरी ने फिल्म देवदास पूरी की और फिर अपने पति के पास अमेरिका चली गईं और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गईं। वहां माधुरी के दो बच्चे हुए, साल 2003 में अरिन और साल 2005 में रयान, जिनकी परवरिश में बिजी होने के चलते कुछ साल माधुरी फिल्मों से दूर रहीं। लेकिन बच्चों के कुछ बड़े होने के बाद ये एक बार फिर भारत वापस लौटी और अपने फिल्मी करियर का सेकंड इनिंग शुरू किया। इनकी कमबैक फिल्म रही आजा नचले। इसके बाद भी माधुरी कई बड़ी फिल्मों में नजर आईं और एक बार फिर से बॉलीवुड ने इन्हें हाथों हाथ लिया। साल 2013 में माधुरी बॉम्बे टॉकीज और ये जवानी है दीवानी में दिखी। लड़के और लड़के कहां से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल। साल 2014 में इनकी फिल्म डेढ़ इश्कियां खूब चर्चा में रही। तो इसी साल की फिल्म गुलाब गैंग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। बिना लाठी और तलवार के भी लोग हमारी आवाज सुने, इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ जाएं। साल 2019 में माधुरी फिल्म टोटल धमाल और कलंक दो फिल्मों का अहम हिस्सा रहे। खुदा के मजाक का भी जवाब नहीं। जिस आदमी ने इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजारिश करने आए हैं। साल 2022 में इनकी फिल्म आई मजामा, तो साल 2023 में इन्होंने खुद एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस की। लेकिन इन सालों में माधुरी फिल्मों में कम और बड़े बड़े टीवी शोज में ज्यादा काम करती दिखी। बता दें कि बाद में इनके पति भी भारत ही आ गए थे, यही अपना काम एस्टेब्लिश किया और पत्नी के साथ रहने लगे थे। माधुरी अब अपनी फैमिली के साथ अपने मुंबई स्थित फ्लैट में ही रहती हैं और इनके पति और दोनों बच्चे भी अब कई बार शोज वगैरह में साथ नजर आते रहते हैं। कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। इन्होंने कई डांसिंग शोज में जज की भूमिका अदा की है और अपना डांस एकेडमी भी चलाती हैं। गाना तो बहुत पसंद आया, लेकिन एक है सब लोग कहते हैं सोना ये कर। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और इनके पति के यूट्यूब चैनल पर भी ये एक्टिव रहती हैं। दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 75 फिल्मों में काम किया, 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और सबसे ज्यादा 13 बार इन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया गया। साल 2014 में इन्हें भारत के यूनिसेफ गुडविल राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया और ये केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का भी हिस्सा रहे। माधुरी दीक्षित कई स्टेज शो, कॉन्सर्ट्स, टूर और टीवी पुरस्कार समारोहों में शामिल रहती हैं। इन्होंने भारत, मध्य पूर्व और अमेरिका में माधुरी दीक्षित लाइव संगीत कार्यक्रम आयोजित किए, जो बेहद पॉपुलर हुआ। साथ ही अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड टूर का भी ये हिस्सा रहे। दोस्तों, इनके नेटवर्थ की बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी दीक्षित की कुल संपत्ति लगभग 250 करोड़ रुपए है। इन्होंने फिल्मों के अलावा रियलिटी शोज और विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई की है और आज भी कर रहे हैं। फिल्मों में इनकी फीस अब 5 से 6 करोड़ रुपए पर मूवी है, तो वहीं रियलिटी शो में जज के रूप में एक सीजन के लिए माधुरी 25 से 30 करोड़ रुपए लेती हैं। इसके अलावा एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए ये 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। माधुरी के पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है, जिनमें व्हाइट ऑडी, टोयोटा इनोवा क्रिस्टल, रोल्स रॉयस और स्कोडा रैपिड इनके पास मौजूद हैं।
माधुरी दीक्षित फिल्मों में फीस के मामले में टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल रह चुकी हैं, जहां बॉलीवुड फीमेल एक्टर्स को मेल एक्टर्स के मुकाबले बेहद कम पैसे देने के लिए बदनाम रहा है, वहीं माधुरी ने खुद के ऊपर कभी इस फॉर्मूले को लागू नहीं होने दिया। बताया जाता है कि फिल्म अंजाम में इन्होंने शाहरुख खान से दुगुनी फीस ली थी, जबकि फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान खान से भी लगभग डबल पैसे चार्ज किए थे। चलिए अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ विवादों की। तो माधुरी दीक्षित ने जब मैगी का विज्ञापन किया तो कुछ समय बाद अचानक इसकी आलोचना होने लगी। दरअसल साल 2015 में मैगी में हानिकारक केमिकल MSG पाए जाने के बाद इसका विज्ञापन करने के लिए माधुरी दीक्षित को कोसा जाने लगा। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ माधुरी के खिलाफ भी इन प्रोडक्ट्स को गलत तरीके से पेश करने के लिए FIR तक दर्ज करा दी गई। हालांकि बाद में मैगी ने अपने प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट में बदलाव किए और फिर ये विवाद धीरे धीरे थम गया। इसी तरह साल 2012 में जब इन्हें महाराष्ट्र स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर मिला तो इन्होंने इसके लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की। सरकार को ये फीस काफी ज्यादा लगी और उन्होंने ऋतिक रोशन को इनकी जगह महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ये खबर सामने आने पर माधुरी की काफी आलोचना हुई। माधुरी दीक्षित अब 55 साल की हो चुकी हैं और काम में बिजी होने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए खूब एक्टिव रहती हैं। ये आज भी कई टीवी शोज का हिस्सा हैं और बिंदास अंदाज में अपनी निजी जिंदगी, काम और कामयाबी को एंजॉय कर रही हैं। माधुरी के फैंस को आज भी इनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, क्रिटिक्स द्वारा जहां श्रीदेवी को हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सुपरस्टार करार दिया गया, तो वहीं माधुरी दीक्षित को इंडियन फिल्मों की आज तक की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार माना गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिल्मी दुनिया में इन्होंने जो मुकाम बनाया उसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया और आगे भी कब कोई इसके करीब पहुँचेगा ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। माधुरी ने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए और सभी में खुद को ऐसे ढाल लिया जैसे वही इनकी वास्तविक जिंदगी हो। शायद इसे ही असली कला कहते हैं, जो विरले कलाकारों में ही देखने को मिलती है। गर्व से माधुरी दीक्षित का नाम लिया जाएगा। इनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के कैसे इन्होंने उस क्षेत्र में अपनी सफलता के परचम लहरा दिए। तो दोस्तों, आपको हमारा माधुरी दीक्षित स्पेशल एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको माधुरी का कौन सा गाना, कौन सा डायलॉग या कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है ये भी बताना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।